यार प्यास लग रही थी तो हमने सोचा कि यार बटवाइजर मैग्नम ले लेते हैं। ओ भाई बाइक पंचर है क्या? तो हम लोग यार अभी हैं चंडीगढ़ में, तो जयंत, अर्जुन, रत्नेश भाई और मंगल ये लोग भाई आगे जा चुके हैं। मैं और सुयेश हम दोनों रुके थे। तो ये है भाई BMW वापस हमारी आ चुकी है। ये मेरी बाइक लोडेड खड़ी है, ये सुयेश की बाइक है। तो BMW में लगभग यार 11 से 12 हज़ार खर्चा आया क्योंकि भाई क्लच प्लेटें वगैरह उड़ गई थी। तो अभी सफल इसको पूरा कंप्लीट करवा के आया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नोएडा के लिए और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सीधे रोड पे मिलते हैं। सारी बाइक्स करा ली हैं फुल तीनों। तो अब सीधे हमारा जो टारगेट है वो है नोएडा और नोएडा में नाइट स्टे करेंगे। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बची है लगभग 207 किलोमीटर और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाईवे पे आके ना भाई ये क्रूज़ कंट्रोल बहुत काम में आता है। देख रहे हो स्पीड सेट है 90 पे, बाइक अपने आप चलती जा रही है और कई बार ना कार वाले बगल से गुजरे हाथ साइड में रख लो ऐसे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं सबके सब की बाइक अपने आप चल कैसे रही है। तो यार मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अगर 3-4 बाइकर एक साथ किसी गाड़ी को ओवरटेक कर दें तो भाई गाड़ी वालों का ना ईगो सा हर्ट हो जाता है कि नहीं तुम आगे गए मैं भी आगे जाके दिखाऊंगा। ऐसे ही हुआ, ये बगल से देखो वाइट कलर की गाड़ी निकलेगी अभी ये। तो भाई साहब आराम से चल रहे थे, हम तीनों लोगों ने एक साथ ओवरटेक कर दिया, चुनचुरे काट गए। ऐसे यहाँ पे भी टर्न था, चलो ठीक है। तो हम लोग लगभग 101 किलोमीटर आ चुके हैं चंडीगढ़ से। तो थोड़ी सी भूख भी लगाई थी तो सोचा कि चलो कुछ खा लें। तो यहाँ पे बर्गर किंग दिख गया है, यहीं पे रोकते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। कहाँ खड़ी करें भाई, किधर आ जाए, किधर पे आ जा। ओए हाँ हाँ तीनों की है जगह, आ जा। तो ये भाई हमने ऑर्डर किया है, ये हैं हमारे 3 बर्गर और ये हैं चीज़ी फ्राइज। और ये भाई कितने वैसे हैं, मतलब गरीब टाइप का, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक और बहुत गर्मी है, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे ये कोई स्पेशल आइसक्रीम आई है सुयश भाई ले गया। कौन सी? कुकी क्रंच। कुकी क्रंच भैया, भाई अरे सुयश ने लिया है भैया। हाँ भाई बहुत बढ़िया है। बाकी बर्गर वगैरह बहुत ज़्यादा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कानपुर में जो बर्गर कहेंगे मैकडी पे तो या फिर KFC पे जो बर्गर वगैरह मिलते हैं कंपेयर टू और जगह जैसे चंडी एंड वेस्ट ऑफ मनी। चंडीगढ़ में भाई हम लोगों ने KFC का बर्गर मंगाया था, कैसा था भाई साहब? एक तो ना साइज डबल था, जिंगर अच्छा था। वो तो हमने दिखाया, बाकी वो मंगाया चिकन जिंगर था ना, चिकन जिंगर मंगाया था भाई। साइज़ ऐसा लगा डबल था उससे जो हमारे यहाँ मिलता है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया था, यहाँ की चीज़ों का भी अलग है टेस्ट। जाके अपने क्या करते हैं चिकन, वो मैंने सब्वे मंगाया था, कानपुर के टेस्ट से बहुत फ़र्क था उस पर। अच्छा दिया करो डेली, ये बगल में है पानीपत के लिए तो पीछे टोल पड़ता है। तो ये वाली गलती भाई मुझसे भी हो चुकी है, सफल से, सुयश से, सबसे हो चुकी, क्योंकि ये क्या है ना, इसी आप टोल से अगर कोने से निकलोगे भाई काफ़ी चौड़ी सड़क है तो आप कई बार इस वाले रूट में घुस जाते हो और अगर इसमें एक बार आप घुस गए तो भाई पूरा पानीपत पार करके ही निकल सकते हो, बीच में कोई कट नहीं है। तो कभी भी सोनीपत वाला, सॉरी पानीपत वाला जो टोल आता है उस पर ध्यान से बिल्कुल राइट लेके निकालिएगा अगर डेली जाना है। तो हम लोग अभी हैं यार मूर्थल में और बस थोड़ा ही बचा है नोएडा, लगभग 95 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ पे भाई दिख गया था नींबू पानी, कैसी है? बढ़िया। लो हमने सोचा है थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते क्योंकि लगभग वहाँ से जहाँ पे रुके थे हम लोग बर्गर किंग से लगभग 100 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। तो बस ये शिकंजी वगैरह पी के और सीधे नोएडा तक जाएंगे, कोई ब्रेक नहीं लेंगे। यार प्यास लग रही थी तो हमने सोचा कि यार बटवाइजर मैग्नम ले लेते हैं, बढ़िया प्यास बुझा देगी, है कि नहीं? आपको क्या लगा? अरे यार गलत ना सोचा करो यार, बताओ पानी है यार, कैसी बातें करते हो। तो ये देखिए भाई, ये तो इतनी हैवी ऑफ रोडिंग करी है हमने, ये ऐसे 2-3 कट है भाई पीछे वाले टायर में, ये है इस कोने में है, काफ़ी है भाई। ईस्टर्न पेरिफेरल है वो यहाँ पे होता है हमारे लिए ख़त्म। ये हमारा टर्न आ गया है जिससे हम लोग जाएंगे गाज़ियाबाद। तो फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं गौर सिटी गाज़ियाबाद। लेकिन हमें पता नहीं चला यार कि मतलब
बस ये लेफ्ट लेना है यहाँ से आगे जो है यार, ये नहीं पता चला कि कब चंडीगढ़ से आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग यार अब निकल रहे हैं कालपी के लिए। बाइक देखो भाई कितनी ज़्यादा लोडेड है, एक्स्ट्रा लोडेड हो गई है। बाकी वो दोनों बाइक भी भाई रेडी हैं। तो बस अब आज चलते हैं घर, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगभग हमको 12-13 दिन हो गए घर से निकले। तो चलिए चलते हैं। गए हैं परी चौक, अब बस यहाँ से जहाँ से एक्सप्रेस वे चढ़ता है वहीं पे जाएंगे और एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे। टाइम हो गया है लगभग 1:15, क्योंकि निकलते निकलते यार काफ़ी टाइम हो गया और बाइक मतलब बहुत ज़्यादा लोडेड है, क्योंकि जो वाइट कलर की आपको जो बैग टाइप का दिखा वो एक्चुअली प्रसाद रखा है पूरा, जो कि वैष्णो देवी से लेके आए थे हम लोग। नो हैंड ड्राइव, क्रूज कंट्रोल ऑन। तो बस आराम से, मतलब ऐसे ये मत करना भाई, डेंजरस है। बट यार मतलब बेस्ट चीज़ है भाई, मुझे अभी तक के तो 500 रुपीज़ ना ऐसा लगा पूरी ट्रिप के लिए वर्थ होगा कसम से। हम लोग भाई जैसे ही हाईवे पे आते हैं क्रूज कंट्रोल पे अपनी स्पीड सेट करो 90-100 जो करनी हो और बाइक को जाने दो, एवरेज भी अच्छा देती है बाइक इससे। हम लोग अभी आए हैं शिवा ढाबा पे और जो भी खाना था भाई खा चुके हैं, सब खत्म हो गया। मैंने आलू का पराठा लिया था, इसने पनीर की सब्जी और रोटी, और इसने भी आलू का पराठा। और भाई अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। लस्सी यहाँ की मत पीना, बहुत ज़्यादा वहाँ केसर जैसा डाल के भुगत दी थी। बाकी खाना आना सब बढ़िया है, बस चलते हैं। तो भाई नाश्ता वाश्ता हो गया है और बाइक भी भारी है। तो ये शिवा ढाबा है। ओ भाई बाइक पंचर है क्या? हाँ यार, ये देखो कील लग गई है और शायद बाइक हो गई पंचर, लेकिन इन्फ्लेटर है, चलो करके देखते हैं निकालो। तो भाई यहाँ पे अभी भरी जा रही है हवा टायर में, क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि वहाँ से मैं बाइक चला के लाया था तो वहाँ से तो भाई बिल्कुल भी हवा वगैरह मतलब बिल्कुल भी एयर प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे यहाँ पे खड़े खड़े एकदम से पूरी हवा निकली, काफ़ी मोटा कीला टाइप का लगा हुआ है, बट हवा भर रहे हैं तो हवा जा रही है बाइक में। तो देखते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे चेंज करा लेंगे। बाकी ट्यूब वगैरह है मेरे पास और ये जो ट्यूब पड़ा हुआ है बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला जिसमें पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मैंने जो बाइक स्टैंड से उतारी तो सीधे कील के ऊपर उतार दी, इसकी वजह से एकदम से हवा निकल गई। बाकी हवा तो फिल हो रही है, देखते हैं क्या होगा। हवा भरने के बाद यार टायर काम तो कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा तो भी यार पंचर बनवा लें। तो जो ये मथुरा वाला पलवल वाला जो उतरता है कट, उस पर आके भाई ये शॉप मिल गई थी हमको। तो अभी अगर देखेंगे ज़्यादा बड़ा पंचर है तो फिर भाई ट्यूब डलवा दूँगी, क्योंकि ट्यूब है एक्स्ट्रा मेरे पास, नहीं तो अगर पंचर सही हुआ तो उसी को करवा लेंगे। ठीक भाई खो। तो इस चेन देखो कि बहुत ढीली हो गई है, तो मैंने कहा भाई जब पंचर सही हुआ ही है तो लगे हाँ तो भाई चेन भी टाइट करवा लेते हैं। और बाकी उनको टाइम लगा भाई, बिना टायर खोले ही भाई पंचर फटाफट वहीं पर सही कर दिया। तो बस मैंने कहा चेन टाइट करवाते हैं और निकलते हैं। क्या यार मतलब यहाँ हम जब के पंचर सही करते हैं तो अपनी गाड़ी पंचर हो गई। तो यार पंचर हो गया है ठीक, अब वापस चलने की हो रही है तैयारी। भाई ये पंचर हम राइडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ठीक था फॉर्मुलेक्स था वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने तो भी यहाँ पंचर ठीक करवा लिया कि आगे भाई कोई दिक्कत ना हो जाए मुझे, क्योंकि अभी तो भी हम लगभग 400 किलोमीटर तो जाना ही जाना है। तो जो ये मथुरा वाला जो कट था हम लोग यहाँ से उतरे थे, तो भाई बस जैसे ही उतरोगे मतलब 100 मीटर पे ही भाई 2-3 दुकानें हैं पंचर की हैं, ढाबे वगैरह वहाँ पर बने हैं, पेट्रोल पम्प है। तो अगर आप में से कभी कोई आए जेवर के मतलब 5 किलोमीटर आगे ही लेफ्ट जो जाता है रास्ता उसी पर मिल जाएंगी। तो चलो भाई पंचर ठीक हो गया, दिमाग से थोड़ा सा टेंशन कम हो गया। हम लोग एंटर कर चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। भाई बीच में हमको बहुत बारिश मिली, मतलब इतनी तेज़ बारिश थी क्या बताऊं भाई, ये सब जितने भी गियर्स वगैरह हैं सब भीगे हुए हैं हम लोग। हमने लेकिन भाई रेन गियर नहीं पहने क्योंकि भाई आखिरी दिन है राइड का, तो भाई हमको इंजॉय करना था। तो भाई मस्त पूरे भीग रखे हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बाकी सामने देखिए बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई पहाड़ हो सामने। तो यार पहाड़ों को तो मिस कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल प्लेन्स में आ गए, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से ना हमको उतना ज़्यादा भाई गर्मी तो लगी नहीं, क्योंकि मस्त बारिश होती रही। और भाई टायर में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इस वजह से लगभग हमारा एक घंटा तो बर्बाद हो गया।
लेकिन अब ठीक है, पहुंच ही जाएंगे भाई घर, क्या ही है। तो हम लोग यार पहुंच चुके हैं वापस से सागर रेस्टोरेंट, जहाँ से हम लोग की ट्रिप शुरू हुई, जहाँ से हमने ट्रिप भाई अपनी स्टार्ट करी। और यहाँ पे हमने मंगाया है चीज़ ग्रिल सैंडविच, और डोसा भी था, डोसा ख़त्म हो गया, बाकी चाय है, उधर कॉफ़ी है। तो थोड़ा सा आलस टाइप का आया था मुझे, तो मैंने कहा यार यहाँ पे रुक लगते थे। वैसे पहले हमारा था कि सीधे ही जाएंगे कानपुर, मतलब ये जाएगा कानपुर सुएज, हम लोग तो कल भी आने वाले थे, लेकिन फिर ये हुआ कि यार रुक लेते, कुछ खा लेते, क्योंकि भूख भी लगाई थी। हम लोग ने जेवर में लंच किया था अपना, तो उसके से कुछ खाया नहीं था, तो बस सभी यहाँ खाते हैं, एक दो सौ और आ रहा उसको भी निपटाते हैं और कल भी चलते हैं। तो यार जो टायर था वो फिर से भाई पंचर हो गया था। एक्चुअली के जो हमने टायर का जो पंचर बनवाया था उसकी जो टिक्की लगती ना भाई, वो टिक्की निकल गई थी। तो फिर से बैठ के भाई साहब रात में ये देखो, और उसमें भी एक चीज़ और हुई। अरे यार, तो भाई हुआ क्या कि आगे को देखो, उधर पे पेट्रोल पंप है, सामने दिखेगा आपको, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे उससे कहा कि भाई पंचर हो गई भाई सही कर दो। तो भाई ने कहा कि टायर खोल लाओ तो हम कर देंगे। तो भाई टायर खोल के लेके गए हम, बाकी ट्यूब हमारे पास था तो हमने भाई उसको ट्यूब दिया, उसने भाई चेंज कर दिया। कब घर पहुंचना, तो अभी तक भाई पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये है राइडिंग। चलो भैया बाय बाय, मिलते हैं कल। माता श्री ना है, काहे को परेशान। फाइनली यार जो संस्कार सीरीज है वो एंड पे आ चुकी है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप ये लास्ट एपिसोड देख रहे हो तो जाके जो पूरी प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। डे वन डे टू यार उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि तो कार्ड करप्ट हो गया था भाई, तो डेटा रिकवर हो ही नहीं पाया, तो उसको छोड़ते हैं। बाकी अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट्स करना अपने राइडर फ्रेंड्स साथ या फ्रेंड्स साथ, इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टिल देन द लाइफ इज शॉर्ट, द वर्ल्ड इज वाइड, हैप्पीनेस इज राइडिंग माय बाइक।